हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीप्ति साळुंके एंड आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं ब्रेटिस्लावा, जो है स्लोवाकिया की कैपिटल। एंड यहाँ पे हम थे वन डे, तो एक दिन में हम कहाँ कहाँ घूमे वो सब मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम गए थे डेवन्स कैसल में। तो हम यहाँ पे पहुँचे थे दोपहर के टाइम पे सिटी में, तो दोपहर से लेकर शाम तक का हमारे पास टाइम था। तो हम सबसे पहले गए थे डेवन्स कैसल में। कैसल के ऊपर तो हम नहीं गए क्योंकि वहाँ पर ट्रेक करना पड़ता था, तो हम आजू बाजू ही घूम लिए। एंड जैसे एंट्री कर रहे थे तो दोनों साइड पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह थे, एंड ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो कैसल है। टॉप व्यू से ये कैसल कुछ इस तरह से दिखता है। एंड इसमें जो बड़ी सी रिवर दिख रही है वो है दानूबी रिवर, जो पार्टीशन करती है बिटवीन ऑस्ट्रिया हंगेरी एंड ब्रेटिस्लावा, मतलब स्लोवाकिया, ये तीन देशों के बीच में है। इसी के पास है गेट ऑफ फ्रीडम, जो बताया जाता है कि कुछ 400 पीपल वेर डाइड हु वेर ट्राइंग टू गेट देयर फ्रीडम फ्रॉम द आयरन कर्टन। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद एंड बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम निकल पड़े हमारी अगली डेस्टिनेशन की ओर, जो था प्रेसिडेंशियल पैलेस। तो वहाँ पे जाते टाइम हमें दिखा कि ये पूरी सिटी तुलिप से बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट की हुई थी। और फिर हम आए ब्रेटिस्लावा के प्रेसिडेंशियल पैलेस में, जहाँ पे ब्रेटिस्लावा के प्रेसिडेंट रहते हैं। और फिर यहाँ पे भी हमने थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ले ली है। एंड उसके बाद हम निकल गए उफो टावर देखने के लिए। तो ये एक रेस्टोरेंट है, अभी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन रात को बहुत ही खूबसूरत दिखता है। उसके बाद हम गए ब्रेटिस्लावा कैसल में इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि इवनिंग में ही यहाँ पे आप बैठ के पूरी सिटी का व्यू देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू यहाँ पे दिखाई देता है। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे एक मैप है जहाँ पे बताया है कि कहाँ कहाँ आप ये कैसल में घूम सकते हैं, एंड पूरा मैप दिया हुआ है कैसल का। तो यहाँ से सिटी का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखता है। जैसे उफो टावर भी दिख रहा था, जो एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ऊपर जाके खाना वगैरह खा सकते हैं। तो ये कैसल देखने के बाद हम आए सेंट मार्टिन्स कैथेड्रल में, और फिर ये देखने के बाद हम गए ब्लू चर्च देखने के लिए। एंड उसके बाद हम डायरेक्टली होटल गए और रेस्ट कर लिया, क्योंकि हमें अगले दिन भी कुछ प्लेसेस कवर करनी थी। तो दूसरे दिन हमारे पास था हाफ डे ब्रेटिस्लावा देखने के लिए। तो सबसे पहले हम आए थे दानूबी रिवर देखने के लिए, एंड देन उसके बाद हम गए सिटी मार्केट घूमने के लिए, जहाँ पे था ओल्ड नेशनल थिएटर। तो यहाँ पे कुछ तो एक्टिविटी चल रही थी जो मुझे समझ नहीं आई। अगर आपको पता है कि वो क्या चल रहा था तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये देखने के बाद हम गए मार्केट देखने के लिए। तो मार्केट बहुत ही खूबसूरत था और आज काफ़ी अच्छी धूप भी पड़ी थी, तो घूमने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस मार्केट से हमने लिया था एक फ्रिज मैगनेट, जिसके ऊपर ब्रेटिस्लावा की जो आइकॉनिक प्लेसेस वगैरह थे वो प्रिंटेड है। एंड जब हम मार्केट घूम रहे थे तो हमने देखा कि एक साइड पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि वहाँ पे क्यूमिल का स्टैचू था। ये स्टैचू बहुत ही फेमस है एंड ये स्टैचू के रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें भी है, बहुत सारी स्टोरीज़ है, तो वो मैं सारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही यूनिक स्टोरीज़ है। एंड ये मार्केट में बहुत सारी ऐसे स्टैचूज़ थे जो बहुत यूनिक और अच्छे अच्छे थे। तो उन स्टैचूज़ में कुछ जिंदा लोग भी थे जिन्होंने स्टैचूज़ का रूप लिया था। तो ये वाला मुझे लगा था स्टैचू है लेकिन एक इंसान था, और मेरा बहुत ही बड़ा पचका हुआ था वहाँ पे। तो एनीवेज, उसके बाद हम गए थे प्राइमेट्स पैलेस देखने के लिए, जिसे बोला जाता है कि मिरर पैलेस भी। तो ये बहुत बड़ा है लेकिन उसका कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये पैलेस बहुत बड़ा है एंड उसके अंदर कुछ स्टैचूज़ है बहुत ही खूबसूरत सी। तो ये पैलेस देखने के बाद हम डायरेक्टली निकल गए बस स्टॉप की, और हमारी बस थी दोपहर के टाइम पे, तो हमारे यहाँ पास यहाँ पे हाफ डे ही था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।